या बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपको त्रिविमीय ज्यामिति वाला वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में हर एक साल छोड़ करके दूसरे साल आता ही रहता है, और वह सवाल एक बार नहीं लगभग 11 बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो उसको आप सीखना चाहते हो कि नहीं, अभी कमेंट में लिख दो नीचे, सीखना चाहते हो कि नहीं, यस या नो लिख दो कमेंट सेक्शन के अंदर। और हाँ, शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि भाई, चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें। ये बात मैं हमेशा कहता नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने कहा है, तो आप मेरी बात मान के सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना। दूसरी बात कि अगर आपको लगता है कि आप गणित में बहुत कमज़ोर हैं, बहुत कम नंबर पाएंगे, लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, लगता है कि आप 40वें नंबर पाएंगे, तो आप डरिए मत। आपके लिए मेरे पास 95 वीडियो का कोर्स है। वो 95 वीडियो मात्र 200 रुपये में आपको मिलेंगी। और उन 95 वीडियो में क्या चीज़ है, उसमें सिर्फ वही सवाल बताए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और वो 95 वीडियो देख करके आप कितना नंबर पा सकते हो, आप उसे देख करके सिर्फ 65-70 नंबर तक पा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि 65-70 नंबर आपके लिए ठीक है, तो फ़ोन करिए, जो नंबर आपको दिख रहा है फ़ोन करिए और आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। और अगर लगता है कि आपको और ज़्यादा नंबर चाहिए, तो आप अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते रहिए और हमारा 95 वीडियो वाला कोर्स ले लीजिए। इससे क्या होगा, आप 65-70 नंबर की बजाय 85-90-95 तक भी जा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, फ़ोन कीजिए, कोर्स लीजिए, पढ़ाई शुरू कीजिए। बाकी जो मैं बता रहा हूँ आज इस व्हाइट बोर्ड नहीं, ग्रीन बोर्ड पर, तो आज इसको समझ कर ही जाना है। कोर्स लो चाहे ना लो, ये जो फ्री का क्वेश्चन है ना, इसे तो पढ़ लो। चलो शुरू करते हैं। तो करना क्या है, कैसे करना है, यही सवाल है। और ये 4 नंबर में पूछा जाता है, 11 बार से भी ज़्यादा बार आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। तो आपको कैसे करना है, एकदम मैं आसान तरीका बताऊंगा। क्लास 2-3 का बच्चा भी अगर आपके पास में बैठ करके वीडियो देखेगा, तो वो भी समझ जाएगा। देखिए कैसे करना है, इसको मैं बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहले ये जो समीकरण जैसा दिया ना, इसको आप नीचे लिख लो, देख कर लिखना, कोई काम नहीं करना है, सिर्फ इसे देख करके यहाँ लिख लो। चलो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। -12 को दाहिने पक्ष में भेज दिया। चलिए यहाँ तक तो कोई भी बच्चा काम कर सकता है। अब क्या करना है, इसको हम अभिलंब रूप में बदलेंगे। तो अभिलंब रूप में बदलने के लिए क्या तरीका होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। यक्स के बगल में कौन है, 2। वाई के बगल में कौन है, 3। जेड के बगल में कौन है, 4। तो जो बगल में बगल में बगल में है ना, इन्हीं सबको एक करड़ी के अंदर डाल के स्क्वायर करके और उसी से दोनों पक्षों में क्या करना है, भाग दे देना है। तो अब हम एक करड़ी बनाएंगे, बगल वाला बगल वाला बगल वाला, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 होगा, ये 9 होगा, 16 होगा, 16 9 25 4 29, मतलब करड़ी के अंदर 29 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, जब दोनों पक्षों में इसके दोनों पक्षों में भाग देंगे, समीकरण नंबर 1 बना लो, तो क्या होगा, करड़ी में 29 इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे सबके नीचे आ जाएगा। तो 2 बटे करड़ी में 29x, 3 बटे करड़ी में 29y, 4 बटे करड़ी में 29z बराबर 12 बटे करड़ी में 29। हमें किस रूप में पहले करना है, अभिलंब रूप में। और अभिलंब रूप होता क्या है, मैं बताता हूँ। अभिलंब रूप होता है LX + MY + NZ बराबर D से तुलना करने पर, तुलना करने पर। अब देखो X के बगल में कौन है, L, यहाँ पे X के बगल में कौन है, ये, तो L बराबर इतना हो गया, M बराबर इतना हो गया, N बराबर इतना हो गया और D बराबर इतना हो गया, समझे कि नहीं भाई। देखो X के बगल यहाँ में L है और यहाँ X के बगल में 2 बटे करड़ी में 29 है, तो L बराबर इतना हो गया, L बराबर 2 बटे करड़ी में 29, M बराबर 3 बटे करड़ी में 29 और N बराबर 4 बटे करड़ी में 29 और D बराबर 12 बटे हो जाएगा, D बराबर 12 बटे करड़ी में 29। देख कर लिखना यार, L का मान ये, M का ये, N बराबर ये, D बराबर ये, देख कर लिखना है। तो बताओ तुम देख कर लिख लोगे कि नहीं, लिख लोगे ना।
अब इसके आगे भी तुम्हें देखकर ही लिखना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इधर मैं इसको मिटाता हूँ, आगे का प्रोसीजर बताता हूँ। आपको निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? एक्स वाई जेड। जेड का नाम बहुत कम लिया जाता है। जब समीकरण में जेड दिया हो तो समझ लो जेड का मान भी ज्ञात करना है। और वैसे भी त्रिविमीय ज्यामिति में थ्री डायमेंशन होता है, तीन अक्ष होता है, तो एक्स वाई जेड तीनों अक्ष ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या सूत्र होता है? एक्स बराबर होता है एल डी। क्या होता है? एक्स के बगल में एल है तो बोलेंगे एल डी। ठीक है, और एल का मान क्या है बेटा? एल का मान 2/29 इंटू डी का मान, डी का मान 12/29, तो 12 × 24/29, 24/29। ऊपर 12 × 2, 12 × 2 कितना हो गया? 24। और कड़ी 29 × 29, कड़ी हट जाएगा, सिर्फ हो जाएगा 29। समझे कितना हो जाएगा? 29। वाई के बगल में एम है तो वाई बराबर एम डी। वाई बराबर सूत्र क्या होगा? एम डी। एम का वैल्यू ले लो यहाँ से 3/29, अगुड़े डी का वैल्यू तो यही है 12/29, तो 12 × 36/29। और जेड का वैल्यू क्या है? जेड के बगल में एन है तो हो जाएगा एन डी, एन डी। एन का वैल्यू क्या है बेटा? 4/29 इंटू डी का मान तो यही 12/29, तो 12 × 48/29 हो गया। ठीक है, हमें तो निर्देशांक ज्ञात करना था, एक्स का वाई का जेड का मान ज्ञात करना था, तो एक्स वाई जेड का मान आ चुका है, तो अतः लिखेंगे, अतः निर्देशांक बराबर एक्स का वैल्यू 24/29, 24/29 कामा वाई का वैल्यू 36/29, जेड का वैल्यू 48/29। बस ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका निर्देशांक। तो बच्चों अगर दोबारा समझना हो तो वीडियो पीछे भगा के दोबारा समझ सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, मैं साइड में हो गया हूँ। समझ में आया हो तो फ़ोन करके हमारा कोर्स ले लीजिए। थैंक यू।